स्टूडेंट्स जय श्री कृष्णा, माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज इस वीडियो सीरीज़ के 12th एपिसोड टेस्ट 12 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के ऐसे 2 सुपर डुपर क्वेश्चंस जो कि इस साल के नीट एंड JEE में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल हैं एंड बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियरिंग है। जिन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपके अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड एक नई अप्रोच बनेगी एंड आपके क्वेश्चन करने के एक नए तरीके खुल जाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या है। क्वेश्चन JEE एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये और JEE में आया हुआ भी है, बट हम इसको किस तरीके से करेंगे और जानेंगे कि एडवांस के क्वेश्चंस में वो क्या ऐड कर कर देखता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको तुरंत कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको वेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आपको वेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक नया तरीका पता चल जाएगा। क्वेश्चन है मिनिमम एंड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड विच इज पॉसिबल बाई एडिंग 4 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन, 3 न्यूटन, 9 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। ये चार फोर्स वाले आपको वेक्टर्स दिए गए हैं न्यूटन में। वो बोल रहा है कि इनको हम ऐड करें इस तरीके से ऐड करें कि इनसे मिनिमम रिजल्टिंग मैग्नीट्यूड क्या मिल सकता है एंड मैक्सिमम रिजल्टिंग मैग्नीट्यूड क्या मिल सकता है। तो वो आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है। चार उसने ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन है इसमें, चारों के चारों ऑप्शन में से अपन को बताना है। तो सबसे पहले जब अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं तो वेक्टर की अप्रोच में सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेक्टर के फॉर्मूलाज को सोचते हैं। तो देखिए, वेक्टर एक ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ है जिसमें से कई सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली किया जा सकता है। उसी टाइप की अप्रोच IIT में ये सोच के दी गई थी और कई सारे स्टूडेंट्स ने इसको बहुत लंबा सॉल्व किया और क्वेश्चन को फाइनली गलत किया। गलत मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले इसी वीडियो सीरीज़ के 11th एपिसोड में मैंने इस क्वेश्चन को होमवर्क में दिया था और होमवर्क में जिन सभी ने भी इसका आंसर दिया है सभी का आंसर गलत है। तो आइए देखते हैं क्यों है गलत, कि घर पे करने के बाद भी गलत हो गया, यही एडवांस लेवल के क्वेश्चन की खास बात होती है। तो देखते हैं कि कैसे आएगा और वो भी चुटकियों में आएगा आंसर, बस थोड़ा अप्रोच अपन को सेट करनी पड़ेगी। तो देखिए, चार ऑप्शन में से देखेंगे कि मैक्सिमम की अगर बात करें तो 3 ऑप्शंस में उसने 23 न्यूटन दिया है जबकि 4th ऑप्शन में उसने 20 दिया है। तो पहले तो अपन यही चेक कर लेते हैं मैक्सिमम क्या होगा जिससे कि एक ऑप्शन हो सकता है बचा रह जाए या एक एलिमिनेट हो जाए। तो जब भी चार वेक्टर हो या 3 हो या 2 हो उनका मैक्सिमम पूछा जाए तो जनरली उनको एक लीनियर तरीके से अपन ऐड कर देंगे, लीनियर तरीके से ऐड कर देंगे तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में लगा देंगे तो वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे और मैक्सिमम रिजल्टिंग मैग्नीट्यूड हमको पता चल जाएगा। तो बात करें 1 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 4 और 9, 13 और 10, 23, तो ऐसे 23 न्यूटन इसका मैक्सिमम रिजल्टिंग मैग्नीट्यूड होगा। तो 23 3 में दिया गया है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, एक ऑप्शन कट हो गया। अब इसके अलावा देखते हैं कि 23 तो हो गया, मतलब कि मेन जो गेम है, मेन जो मुकाबला है वो किसमें है, मिनिमम मैग्नीट्यूड में। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, तो देखिए जब अपन को मिनिमम मैग्नीट्यूड की बात चलती है तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मिनिमम का तरीका क्या हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं और उनमें से जनरली जो फॉर्मूलेज आपको सिखाए गए होंगे आपके इंस्टीट्यूट्स में वो फॉर्मूलेज होते हैं और स्टूडेंट उन्हीं में उतरते हैं। तो जब भी कुछ स्पेशल दिखे, जैसे क्वेश्चन स्पेशल दिख रहा है तो स्पेशल दिखते ही आपको भी थोड़ा सा स्पेशल अप्रोच को सोचना चाहिए। तो देखिए, स्पेशल अप्रोच की बात करें तो स्पेशल अप्रोच में क्या है कि जब भी कभी भी वेक्टर का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप ट्रायंगल, रेक्टेंगल इनसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर किया करें क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और ट्रायंगल, रेक्टेंगल इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में से भी सबसे ज़्यादा इजी ट्रायंगल होता है और आपने सबसे पहले ट्रायंगल ही देखा होगा, उसके बाद रेक्टेंगल वगैरह देखा होगा। तो ट्रायंगल की बात करूं मैं तो ट्रायंगल जब आपने देखा होगा तो उसकी जनरल प्रॉपर्टीज भी आपने देखी होंगी। और वेक्टर में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि 2 वेक्टर्स, एक का हेड एक की टेल को उनको इस तरीके से किसी भी एंगल पे लगा दो और उनका जब ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें
या फिर उनका रिजल्टिंग वेक्टर जो होता है थर्ड आर्म पर होता है, या आपने देखा होगा, ये सबसे बेसिक पैटर्न होता है क्वेश्चंस का। जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने उनमें से अधिकतर क्वेश्चंस में देखा है कि वो क्वेश्चन में बहुत बेसिक टेक्निक लगती है, या फिर बहुत बेसिकली या कंसेप्ट जिसके पास अच्छा होता है, एनालिसिस जिसका पढ़ाई में अच्छा होता है, वो दो मिनट में कर लेता है। और जो सिर्फ पढ़ने वाला होता है, सिर्फ रट्टा रहता है, वो बहुत लंबे 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 सॉल्यूशंस बनाता है, फिर भी गलत हो जाता है। तो वही चीज़ इसमें है। सबसे पहले ट्रायंगल का बेसिक मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, उसके बाद इसका आंसर बताऊँगा। सबसे पहले बेसिक हमको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल की थ्री आर्म, जब अपन सीधा सीधा वेक्टर्स को लगा देते हैं किसी भी एंगल पे, तो थर्ड आर्म जो बनती है और उसकी डायरेक्शन अपन अपोजिट रखते हैं, तो वही इसका रिजल्टिंग होती है। ठीक है, होती है। अब अगर मैं इसमें छोटा सा चेंज कर दूं, इसकी डायरेक्शन को इस साइड कर दूं, मतलब कि एक कंप्लीट ट्रायंगल जैसी स्ट्रक्चर बना दूं, अगर मैं इसको यहां से कर तो रिजल्टिंग था, जब इसको अपोजिट कर देते हैं रिजल्टिंग वाले को, तो आपको पता होगा कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का, इस पूरे के पूरे ट्रायंगल का रिजल्टिंग जीरो हो जाएगा। अगर इसके रेक्टेंगल होगा, अगर वहां पे भी मैं सारे के सारे वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, मतलब कि सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए, सेम डायरेक्शन मतलब ऐड करने की बात नहीं चल रही है, कंप्लीट चेन बना दूं और सीक्वेंस मेंटेन करता चलूं, तो वहां पर भी जीरो होगा। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, मतलब कि अगर अपन इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे, तो यहाँ पर ये इसका रिजल्टिंग जीरो होगा। अब मुझे ये चेक करना है, क्या ये वेक्टर्स, क्या ये फोर्सेस इस ट्रायंगल में एडजस्ट हो रहे हैं या नहीं। अगर हो सकते हैं तो सिंपल इसका आंसर जीरो होगा, और अगर नहीं हो सकते हैं तो मैं बाकी के थ्री ऑप्शन में से, ये तो कट हो ही गया, तो टू ऑप्शंस के बारे में सोचूंगा। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ट्रिक की एक लाइन और आप लास्ट सुन लीजिए, ये लाइन भी आपको पता होगी, बट मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं और आप इस तरह नज़र से सोचेंगे इसमें। तो सबसे पहले बात करता हूं कि अब ट्रायंगल की एक बेसिक प्रॉपर्टी आपने बचपन में सुनी होगी कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब कि ट्रायंगल की टू साइड्स का टोटल थर्ड साइड से हमेशा ज़्यादा होता है तो ही ट्रायंगल बनता है। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर फोर वेक्टर्स हैं, तो मैं पहले उनको थ्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसको फोर न्यूटन मान सकता हूँ मैं, इन दोनों को टोटल ऐड करके, तो मेरे पास टोटल थ्री वेक्टर्स हैं, इसमें फिट करना है। अब मुझे बस इतना सा सिंपल चेक करना है कि दो वेक्टर्स का सम तीसरे से बड़ा है या नहीं, चाहे किसी भी टाइप से क्रॉस करके चेक कर लूँ। तो 4 और 9 का टोटल 13, मतलब 10 से बड़ा है। 4 और 10 मतलब 14, 9 से बड़ा है। 10 और 9 का टोटल 19, ऑब्वियसली 4 से बड़ा है, आप कैसे भी कर लीजिए। इसका मतलब कि टू साइड्स का टोटल थर्ड साइड से बड़ा है। तो यहाँ पर जब आप ऐसे फिट करेंगे इसको, आप कैसे भी कर सकते हैं फिट, तो आप देखेंगे कि ये सेटिंग यहाँ बन जाएगी, क्योंकि देखते हैं कि 4 और 9 मतलब 13 10 से बड़ा है, हाँ है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये ना आपने अपने मन से यहाँ 4 रख दिया, यहाँ पे 9, यहाँ 10, आप कहीं पे भी रख दीजिए। मैं वही बोल रहा था, आप कोई भी टू साइड्स को प्लस कर लीजिए, वो थर्ड साइड से ऑलवेज ज़्यादा ही बैठेगा, और यही एक ट्राइंगल की पहचान होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसमें आराम से सेट बैठ गया है, इसका मतलब सिंपल आंसर फर्स्ट होगा, मिनिमम 0 न्यूटन होगा। ओके, बट अगर ये वैल्यू इनमें से कोई भी वैल्यू टू साइड का टोटल करने के बाद तीसरी इंक्रीज होती, तो मैं ऐसा नहीं सोचता। मतलब कि जैसे मान लूँ कि 10 की जगह यहाँ 15 दिया होता, तो ये ट्रिक नहीं लगती, क्योंकि इन दोनों का टोटल 9 प्लस 4 मतलब 13 से ज़्यादा है 15, तो ट्रायंगल के रूल टूट जाते और ऐसा फिर नहीं होता। ओके स्टूडेंट, या फिर कोई और भी सेटिंग होती, मतलब कि 2 का प्लस करने के बाद थर्ड से वो इंक्रीज होना चाहिए, तो ही इस तरीके की सेटिंग बन सकती है। बहुत कॉमन सी सेटिंग है, आपको शायद पता होगी पहले से, बट आपको वेक्टर में कैसे यूज़ करना है वो इस क्वेश्चन में IIT वालों ने क्वेश्चन देके सिखाई। ओके स्टूडेंट्स, तो कुल मिला के बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं,
ये वैसे तो प्रैक्टिस से आता है, मैं ये तो प्रॉमिस नहीं करूँगा कि सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, बट इतना ज़रूर बोलूँगा कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जब भी कभी आएगा तो आप उसको इस ट्रिक से करने की कोशिश कीजिएगा, हो ही जाएगा वो। और उसके अलावा बहुत ही कम टाइम आपका कंज्यूम होगा, और जनरली जो अगर IIT जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वो सोचकर ही ये देता है कि आपको अपने कंसेप्ट का यूज़ करना है, अपने पढ़ाई में किए गए एनालिसिस का यूज़ करके इसको करना है। और बहुत ही दुख है मुझे इस बात को बताते हुए कि ये क्वेश्चन पिछले वीडियो 11 में मैंने होमवर्क में दिया था और किसी ने भी इसका सही आंसर नहीं दिया है, सभी ने इसका मिनिमम वाला वन न्यूट्रन मतलब सेकेंड ऑप्शन को आंसर करेक्ट बताया। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड उसके अलावा वो भी कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वो सुपर क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, एक आपको व्हील दिया है, व्हील साइकिल का मान लीजिए या मोटरसाइकिल का मान लीजिए, उसकी रेडियस है या किसी भी चीज़ का मान लीजिए, उसकी रेडियस है 2 मीटर मान लिए अपन ने, तो बोल रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हील वॉल्व इन हाफ राउंड ऑफ व्हील, मतलब कि ये पहिया आधा चक्कर लगाता है, आधा घूमता है, और ये इसमें व्हील वॉल्व लगा है जहाँ से हवा भरते हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए। इतना सा क्वेश्चन है, बस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, साथ में आप डिस्टेंस भी मुझे कमेंट में बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो अब मैं बहुत ही स्पेशल टाइप के बनाने वाला हूँ, अलग अलग टॉपिक के ऊपर, तो उसके बारे में आपको बताऊँगा आगे, बट नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इससे आप बहुत सारे अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, करना क्या है, सिंपल सा है, व्हील वॉल्व पहिया आधा चक्कर घूमेगा तो व्हील वॉल्व का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ओके, कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। थैंक यू।